फैशन बन गया है, और अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो आगे क्या तस्वीर बन सकती है इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है कोई, क्योंकि ये वो देश है जो आगे ही संतों की वजह से गया है। आपको याद होगा अकबर और एक संत का किस्सा, जिसमें वहां सीकर में बुलाया, उन्होंने कहा सीकर से क्या काम, और उसके बाद अकबर पहुंचे बकायदा उस संत के पास, संत नहीं पहुंचे अकबर के पास। ये तो इस देश का की हिस्ट्री रही है, और ऐसे में संतों का अपमान वाकई देश को कहां ले जाएगा, बड़ा सवाल। इसीलिए बहुत टाइम से सुकराज सेठिया साहब मैं आपके पास नहीं आई हूं। देखिए ये चीज़ें ट्विटर पर आ कैसे गई, सोशल मीडिया पर आ कैसे गई, शायद इन लोगों को इस बात की गहराई का अंदाज़ा ही नहीं था कि एक संत मुनि, एक दिगंबर मुनि क्यों कपड़ों को या आवेश को नहीं धारण करता है, क्यों ना कुछ सेकंड्स के अंदर आप ये चीज़ बता भी दें कि ऐसा क्यों करते हैं मुनि, इसके पीछे की वजह क्या है, थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाएगी। ये जो संत होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे आचार्य मां श्रमण जी एक श्लोक कहते हैं, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संजमो तो देवा वितंग नमन संति जस धमे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और अहिंसा संयम और तपस्या का जो आचरण करते हैं, हमेशा धर्म में रमते हैं, उनका देवता भी सम्मान करते हैं, और ये बहुत ऊंचे ये बाहरी जो परिवेश होते हैं उससे वो बहुत ऊंचे उठे होते हैं, और उनको सिर्फ आत्मा की पवित्रता का ही हमेशा उनका चिंतन रहता है। वो ये बाहर के जो वेश होते हैं, कपड़े होते हैं, ये उनके लिए बहुत कुछ नहीं होता, ये उनसे बहुत ऊंचे उठे होते हैं। और तरुण सागर जी और आचार्य मां श्रमण जी, इन्होंने कितनी बार बड़े बड़े प्रवचनों में धर्म की शिक्षाएं दी है, आज उनका धर्म उनके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग उनके पास में पहुंचते हैं। ऐसे धर्मों का धर्मगुरुओं का अपमान करना और ट्विटर पर डालना, ये बहुत बड़ी ही बेहद शर्मनाक बात है। जी, उन्होंने जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, वो टिप्पणी पति और पत्नी के तरीके से रखी थी, लेकिन उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि ट्विटर पर इसे महिला विरोधी कहा जा रहा है। नहीं, आज जो भी संत लोग होते हैं वो अपने तरीके से कोई भी बात प्रस्तुत करते हैं, वो हमेशा हमारे यहाँ पर नारी जाति को हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे धर्म गुरु, हमारे यहाँ पर जो बड़े से बड़ी जो साध्वियाँ हैं उनका भी बहुत ऊंचा स्थान है। सिर्फ संत नहीं है, हमारे यहाँ पर नारी जाति के उत्थान के लिए संत लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक है सेतिया साहब, अब मैं आपके पास आऊं उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज हम चर्चा सिर्फ इसी विषय पर कर रहे हैं कि क्या आज की तारीख में आप किसी भी, भाई ये बढ़ती हुई सोसाइटी है, आप हर चीज पर बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान कहाँ तक सही है, किसी का मजाक कहाँ तक सही है। और इसीलिए बातचीत करने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, जो कि हरियाणा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके बेनीवाल साहब, जो कि धर्म प्रचारक हैं, हमारे साथ सुकराज सेठिया साहब, महामंत्री हैं तेरापंथी सभा के, और केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। बेनीवाल साहब जी, आपको क्या लगता है कि अब सियासत और संतों को साथ रहना ही चाहिए या फिर दिशा देकर अलग हट जाना चाहिए? देखिए, ये कभी नहीं होता है, संत और राजनीति का ये मिलन वाली बात नहीं है। संत का स्थान राजनीति क्या हर चीज से ऊपर है, वो राजनीति में नहीं जाता है, राजनीति संत दिशा दे सकता है। देखिए, और आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको एक आपको चैतन्य महाप्रभु की एक श्लोक सुनाया कि जो सहिष्णुता का जो अभी पीछे बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बुरा नहीं, पार्टियां तो ऐसे वोट बैंक के तरीके से ही देखते हैं। यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आजकल की जो पॉलिटिकली जो लोग कुछ लोग हैं, मेरा सवाल है सियासत, जब से मोदी साहब आए हैं तब से मुझे ज्यादा लग रहा है कि बार बार सहन सुनता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लेके धर्मों के नाम से, इसके नाम से आज कहेंगे देश के आजादी करो। अरे भाई, आप मुझे बताइए, इस देश नहीं रहेगा तो तुम कहां रहोगे? अगर जब संतों का मजाक उड़ाओगे, संतों माफ कर देते, संतों श्री नहीं समझते। ठीक है, मुझे 10-10 सेकंड में चौहान साहब और ढींगरा साहब आप भी बता दीजिए, अब आप में से कौन है जो पहल करेगा इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की? मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, चौहान साहब इतना वक्त नहीं है, 10 सेकंड में मुझे बताइए कौन FIR दर्ज कब होगी?
देखिए मैं तो कह रहा हूं कल हरियाणा की विधानसभा में भी ये मसला आएगा और हम सरकार के स्तर पर जो भी संभव होगा कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि संतों के खिलाफ बोलने वाली और तरुण सागर जी महाराज की टिप्पणियों पर कौन छींटाकसी कर रही है, वही लोग हैं जो कन्हैया ब्रिगेड है, जो लाल विचारधारा के लोग हैं, जिनको इस देश की हर चीज को अपमानित करने में लुत्फ आता है, आनंद आता है। हम इनको जनता के बीच में भी बेनकाब करेंगे। वैसे तो ये बेनकाब अपने आप ही हो गए काफी हद तक, लेकिन जनता के दरबार में भी बेनकाब करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इस देश में संतों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। डिंगरा साहब, हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ एफआईआर दर्ज होगी कांग्रेस की तरफ से या नहीं? अंजी, ये तो पार्टी विशेष का मामला नहीं है ना, ये तो आहत पहुंचाने का मामला किसके है? खिलाफ मैम? विशाल हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक जैन मुनि जी का पता नहीं चली। देखिए जैन मुनि जी के खिलाफ उनके उसमें सभी लोग जो हैं वो उनका आदर भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। जवाब से बच रहे हैं सर, जवाब से बच रहे हैं। मेरा तो सीधा सा प्रश्न था और फिर आपने ये बता दिया किसके खिलाफ। डडलानी के खिलाफ है तो हम एफआईआर कर लेंगे, पुनावाले के खिलाफ आपको सोचना पड़ेगा सर।